और बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां पर एमबीपीजी कॉलेज में परीक्षा में देर से पहुंची छात्रा को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिलाने को लेकर छात्र नेता और सहायक प्राध्यापक के बीच झड़प हो गई थी। छात्र विक्रम बिष्ट और सहायक प्राध्यापक एस एन सिद्ध ने एक दूसरे पर केंद्र पर आरोप लगाते हुए भोटिया पड़ाव चौकी में तहरीर भी दी थी, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। इधर आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर कॉलेज का माहौल गर्म हो गया, जब छात्र नेता विक्रम बिष्ट अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। इस बीच प्राचार्य प्रोफेसर एन एस बनकोटी ने उन्हें धरने पर न बैठने से रोका तो वह आत्मदाह की चेतावनी देने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आखिरकार छात्रों को शांत कराया। इधर छात्र नेता ने असिस्टेंट प्रोफेसर एस एन सिद्ध को विद्यालय से हटाने की मांग की है और उन्हें छात्रों का विरोधी तक कह डाला है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हुई थी वो आप सभी को पता है, समाचार पत्रों में वो आ गया है। मामला दोनों की तहरीर थाने में चले गई है और लड़का आज महाविद्यालय में पहुंचते ही फिर कुछ लड़कों के साथ मेरे पास आया कि मैं धरने में बैठता हूं। मैंने उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया कि मैंने कहा जब मामला थाने में चले गया है तो तुम्हारा धरने में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए, वर्तमान समय में कुमाऊं विश्वविद्यालय की बीए बीकॉम बीएससी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। इसी बीच में जितने भी हमारे छात्र नेता हैं, जितने भी हम सीनियर्स हैं, हमारा ये काम रहता है कि जो हमारे जूनियर्स भाई बहन यहाँ पर पेपर देने आते हैं पहाड़ से प्लेन से, काफ़ी बच्चों को सीटिंग के बारे में नहीं पता चल पाता है। उसी क्रम में हम रोज़ सीटिंग यहाँ पे बताते हैं। कल उसी क्रम में ये कार्य हुआ है। कल एक लड़की हमारी जो बहन है वो मुक्तेश्वर से आई, जबकि पेपर 9 से 12 बजे के बीच में था। यूनिवर्सिटी का ये नियम कहता है कि आधे घंटे तक बच्चे को पेपर दिया जा सकता है। उसके बाद भी हमारे कॉलेज प्रशासन ने, अन्य टीचरों ने, प्राचार्य जी ने 1 घंटे का समय दिया था। लड़की 9 बजे परिसर में आती है। 9 बजे की बात थी, एक बालिका जो है, बालिका क्या सर, 8 से 9 पेपर थे कल, तो काफ़ी लोग लेट आए। एक हमारे शिक्षक है, पेपर चल रहा था वहाँ बालिका को घुसने नहीं दिया गया। 3 से 4 बार बालिका को बाहर भेज दिया गया कि आप लेट आई हुए हैं, इस कारण बालिका को बाहर भेज दिया गया। सर, कुमाऊं यूनिवर्सिटी का नियम यह है कि आधे घंटे तक कोई भी बच्चा पेपर देने जा सकता है।